इक्विलेटरल ट्रायंगल में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। चलिए भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी, ये क्या है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इधर देखो, बाद में उतारना, पहले देख लो। अब कह रहा ना कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो था, इसमें का सबका साइड दिया हुआ है 8.8 सेंटीमीटर, 8.8 सेंटीमीटर, 8.8 सेंटीमीटर। ए बच्चा, इधर क्वेश्चन बताते हैं, उसको ध्यान से देखो। तुम अपने किताब में बिजी रहता है, सारा क्वेश्चन इधर से रिलेटेड है। अब कह रहा है कि उसी ट्रायंगल, उसी तार को हम लोग सर्कुलर रिंग में बना देंगे, तो व्हाट इज द डायमीटर। तो अब एरिया, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल, खड़ा हो जाओ आदित्य, आदित्य खड़ा हो जाओ। हाँ, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, कोई नहीं बोलेगा आदित्य के अलावा। गुड, कॉन्फिडेंस लाइए, सही बोले हैं। सम ऑफ ऑल साइड्स, तो अब क्या होगा, 8.8 प्लस 8.8 प्लस 8.8 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा, जोड़ लो, 26.4 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि इसी ट्रायंगल को, तार को हम खोल लिए, अब हम लोग सर्कुलर बना दे रहे हैं, जिसका कि अब ये बताओ कि ये जो फॉर्म है, तो हमको तो कुछ पता नहीं, और हमको निकालना क्या है, डी। तो आर भी नहीं पता है और डी भी नहीं पता है, तो हमको ये पता है कि ये तार जो है वो कितना बड़ा है, ये तो पता है। तो चलो, हमारा आ जाएगा, खड़ा हो जाए फिर से आदित्य, सरकमफेरेंसेस ऑफ सर्कल, सर 2πr। गुड, 2πr, तो 2πr बराबर हमको पता है 16.4, तो 2 × 22/7 इंटू आर बराबर 26.4, यहाँ पे 44 आर बराबर 26.4 इंटू 7, आर बराबर 26.4 इंटू 7 बाई 20। अब ये कटेगा किसके बाद में, एक बार में अपॉइंट, यानी आर बराबर हमारा हो जाता है 9.8, तो डी बराबर हमारा 9.8 इंटू 2, तो यानी हो जाएगा 19.6 आंसर। 8.4 आंसर आ रहा है। 8.4 हां, 44 था, 22 कर दिए। आहा, चलो चलो चलो, सॉरी सॉरी सॉरी, चलो चलो हो गया 44। तो ये कटेगा 4 बार में 0.4, ठीक है, 0.4 ही से ना कटेगा, नहीं 6 से कटेगा 0.6। तो ये कितना हो जाएगा, आर बराबर 0.6 इंटू 7, तो R बराबर 4.2, तो D बराबर 4.2 इंटू 2, तो D बराबर क्या हो जाएगा, 8.4 आंसर। यही फाइनल।